मुझ में एक युग है जो परेशान है, मुझ में एक खंडित भूगोल है अखंड जो रेगिस्तान है, मुझ में सदियां हैं बेपर्द तन पर पैबंद सिए हुए, बिल्कुल वीरान मुझ में तुम सब हो, एकाकी भ्रमित मन बेहद थके हुए, यहीं कहीं रोज सुलगता है मुझ में अपना तुम सब का मसान, कमल कींच में फंसी मेरी आंखों का उपमान सुनसान है, इनमें मुर्दा लोग जीवित होते रहते हैं, नदियां सूखती रहती हैं, पहाड़ बनते रहते हैं, पुलों के कंकाल ध्वस्त होते रहते हैं, पापों की भीड़ गाती रहती है, पुण्य की अर्थियां जला करती है, लेकिन मैं पापों का प्यार नहीं हूं, पुण्य का विकार भी नहीं हूं, किसी अधूरे जन्म का स्वीकार भी नहीं हूं, मैं हूं भविष्य का अधूरा ज्ञान, इस अधियारे शून्य में बाहें फैलाए मौत के भयानक काले मेहराबी जबड़े से गुजरता चुपचाप उजाले के चीतड़े बीन रहा हूं, मैं एक निर्जन एकाकी सार्वभौम भाषा हूं। ये पंक्तियां हैं हिंदी के प्रख्यात कहानीकार कवि व आलोचक दूधनाथ सिंह जी की, जिनका आज जन्मदिन है, और आज हमारे यूपी के गौरव सीरीज में उन्हें याद कर रहे हैं। दूधनाथ सिंह जी के साहित्यिक विद्यार्थी और इलाहाबाद शहर में उनके साथ कई मंचों को साझा करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर देखा जाए तो साहित्य जगत में दूधनाथ सिंह का जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेखन की हर विधा में माहिर दूधनाथ सिंह जी जितने बेबाक थे तो उतने संवेदनशील भी। आपने उनके साथ उनके शहर और अपने खुद के शहर इलाहाबाद में एक लंबा समय गुजारा है, ऐसे में आज उनके जन्मदिन के मौके पर मैं आपसे चाहूंगा कि सबसे पहले दूधनाथ सिंह जी का एक परिचय हमारे श्रोताओं को कराते हुए आज के इस कार्यक्रम की आप शुरुआत करें। देखो, साठोत्तरी पीढ़ी यानी पिछली दशक का 60वां दशक एक ऐसा दशक जब नई कहानी के बरक्स समानांतर कहानी आंदोलन, सामाजिक ऊब, निराशा, अनास्था और अपने समय को हूबहू दर्ज कर देने की चुनौती, दोहराव और बासीपन से रचना को उबारने का प्रयास करते रचनाकार और मध्यवर्गीय चेतना का प्रतिनिधित्व करती रचनाओं का समय, और ऐसे समय में साठोत्तरी पीढ़ी के चार यार उभर कर सामने आते हैं, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन और काशीनाथ सिंह। ऐसे समय में संपूर्ण जीवटता के साथ दूधनाथ खड़े दिखाई देते हैं, और अगर दूधनाथ को समझना है तो उनका आखिरी कलाम पढ़ना होगा, लौट आ ओधार, यमगाथा जैसी कृतियां उन्होंने लिखी, आजाएं जैसी रचनाएं जिसमें उस बेचैनी को समझना होगा जो अपने समय को वो दर्ज कर रहे थे। सर, दूधनाथ सिंह की अगर रचनाओं को गौर किया जाए तो उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और मानसिक हर तरह की समस्याओं को अपनी रचनाओं में जगह दी है। देखा जाए तो वो हिंदी के उन खास लेखकों में भी शामिल हैं जिन्होंने कहानी, कविता, नाटक, आलोचना और उपन्यास सहित लगभग रचना के हर क्षेत्र में अपनी कलम चलाई है, ऐसे में आप उनके रचना कर्म को कैसे देखते हैं? दूधनाथ सिंह को समझने के लिए या जानने के लिए उनका कहा हुआ एक वाक्य मैं दोहराना चाहता हूँ। वे कहते थे कि रचना कोई भी हो मेरे लिए आसान नहीं होती, लिखने में अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए अधिकांशतः लिखने से कतराता और भागता हूं मैं, रचना मेरे लिए परम यातनादायी स्थिति है क्योंकि तब सारा दैनंदिन जीवन और मानसिक व्यवहार गड़बड़ा जाता है, एक तरह के विक्षिप्त विस्फोट में लिखना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक कथाकार जैसे हम जानना चाह रहे हैं वो अपने समय में कितना बेचैन है और अपने समय से कितना व्यथित है और क्या नहीं लिख देना चाहता है। यही थे दूधनाथ। मसलन दूधनाथ जी की कहानी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, माई का शोक गीत, तो एक कहानी का नाम और मैंने लिया काशी नरेश से पूछो, बड़ा मर्मस्पर्शी लेखन उन्होंने किया। एक चीज और कि वे अपने समय और समय के समाज के हिसाब से बदलते और तैयार होते समाज को अपनी रचनाओं में दर्ज कर देते थे। दूधनाथ सिंह की कहानियां बिना किसी लाग लपेट के मध्य वर्ग की ढोंग भरी सामाजिक संरचना के विरुद्ध जोरदार ढंग से आवाज नहीं उठा रही है, बल्कि साथ ही साथ चीख चीख कर ध्यान आकृष्ट करती हैं। मैं तो कह रहा हूं इसे, चीख चीख कर चीखती हैं उनकी कहानियां और लोगों की जुटान का आह्वान करती हैं। सच तो मैं कहूं कि कहानी कहते कहते वो व्यंग करने लगते हैं और समाज पर चोट करने से नहीं चूकते, जैसा कि जो दूधनाथ जी भी कहते हैं
और उनके आलोचक भी कहते हैं कि दूधनाथ जोखिम बहुत उठाते हैं, और जोखिम उठाने वाले रचनाकार आपको बहुत कम मिलेंगे हिंदी साहित्य में। इस बात का जोखिम उठाना कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं है। लोगों को क्या कहना है हमें, इसकी परवाह करना है। सर, एक सवाल ये भी बड़ा जरूरी है कि देखा जाए तो कहानियों के कई आंदोलन चले हैं, ऐसे में आप दूधनाथ सिंह जी की कहानियों को कहां देखते हैं या फिर कहां पाते हैं? दूधनाथ सिंह जी जब आते हैं तो मैंने पहले ही अभी कहा था कि नई कहानी के बरक्स समानांतर कहानी आंदोलन खड़ा किया जा रहा था। अब दूधनाथ जी को हम किसी भी वाद या आंदोलन में बांध नहीं सकते, लेकिन दूधनाथ जी नई कहानी के आंदोलन के समर्थक भी थे और उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन दूधनाथ की अपनी एक शैली डेवलप की। याद आता है वह दौर जब नमो अंधकारम और निष्काशन जैसी कहानियों को लेकर उनके मित्रों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया, और पत्रकार की मैं उन दिनों पत्रकार था तो उनके पास उनकी टिप्पणी के लिए गया तो मुझे लगा कि वो बड़े गुस्से में होंगे, लेकिन बड़े रिलैक्स मूड में थे। ये मैंने उनसे प्रश्न किया तो क्या जीवित चरित्रों और निजी रिश्तों पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि दूधनाथ जी ने खूब लिखा है इस पर। सर, ऐसा कहा जाता है कि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों महान छायावादी के कवि जो थे, उनके दूधनाथ सिंह जी बड़े प्रिय थे और आपने उनके साथ कई मंचों को साझा भी किया है, तो कोई आपका रोचक किस्सा जो आपको याद हो दूधनाथ सिंह जी को लेकर के? क्या बताऊं, उनके साथ तो मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे पास संस्मरण हैं। मैं तो उन्हें कहता हूं कि वो खबरों के कथाकार थे, और शायद यही वजह थी कि उनसे मेरी दोस्ती थी। अगर मैंने उनके खिलाफ जब नमो अंधकारम चला तो सारे साहित्यकार उनके खिलाफ थे, और मैं लगातार कॉलम में उनके खिलाफ लिख रहा था, उनके जो उनके खिलाफ जा रहा था। तो जब ताना बाना छपता था तो दूधनाथ जी कहीं मिल जाते थे तो पहले आंख ही तरेरते थे, फिर कहते थे क्या बे क्या लिखे हो। वो इस तरीके की बातें वो बहुत कम लोगों से किया करते थे। लोग जानते थे कि ये जब बोलेंगे क्या बे क्या लिखे हो इलाहाबादी अंदाज में बोलते थे, तो मैं कहते था कि पढ़ लिए क्या। कभी कभी वो फोन करके कहते थे कि ये जो तुमने लिखा है ना, इसके आगे का फॉलो अप बताते हैं। तो बड़ा मजेदार, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि दूधनाथ जी के खिलाफ कॉलम लिखा जा रहा है, तो दूधनाथ जी ही अगली टिप्पणी बता दिया करते थे। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेखन को अपना जीवन बना लेने वाले दूधनाथ सिंह जी अपने अंतिम समय तक लिखते रहे। आपातकाल के दौरान भी दूधनाथ सिंह जी ने पक्षधर नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसके पहले ही अंक को सरकार ने जो है जब्त कर लिया, और साहित्यिक जगत में उनके इसी योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती से उन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन उनकी शुरुआत और अंत का जो समय था वो कैसा था, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। देखिए, रहने वाले तो वो बलिया के थे, लेकिन उन्होंने अपना बहुत लंबा समय इलाहाबाद में बिताया। दूधनाथ सिंह जी को जो लोग जानते हैं वे ये जानते हैं कि वे अपनी भूमि से भी जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी। शायद यही वजह थी कि जब वो अपने पुत्रों के पास दिल्ली गए तो बीमार जब हुए तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे इलाहाबाद जाना है। 2002 और 2003 की बीमारियां, बेटी का लखनऊ ले जाना, रास्ते में उसका रोना जो केवल मैंने देखा, बहरहाल अब यहाँ फिर अकेले हूँ, कहाँ जाऊंगा, अब यहीं रहना है। हर आदमी अपने मरने के लिए एक ठौर चुनता है, कौन सा काफी का प्याला अंतिम होगा। ये भी लिख देते हैं कि मैं यहाँ इसलिए हूँ कि इस घर में सबसे पहली मृत्यु मेरी पत्नी की हुई, मैं उसकी मृत्यु को संजोए बैठा हूँ, वह शायद है या शायद लौट आए या कभी ना आए, जो कि सच है फिर भी उसके होने की एक आवाज है अखंड प्रशांत में घुली मिली, क्या सचमुच वह यही है। इस तरीके से वो अपनी डायरी लिख रहे थे अंतिम समय में, और जो दर्ज कर रहे थे वे राइटर इन रेजिडेंस बनकर वर्धा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी गए, लेकिन वो लौट लौट कर इलाहाबाद आए। तो सर, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल कि नई पीढ़ी के लेखक जो हैं वो दूधनाथ सिंह जी से क्या शिक्षा या मतलब क्या चीजें सीख सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। बहुत शिद्दत से कुछ लाइनें लिखी थी कि हजारों सालों से सूरज मरा हुआ पड़ा है, हजारों सालों से आकाश की छाजन चू रही है,
हजारों सालों से लोग मरे हुए पैदा हो रहे हैं, हजारों सालों से ताजी हवा के सहार सांसों में छपे हैं, हजारों सालों से धूप का इतिहास धरती की छाती पर लिखा है। मुझे इस धरती को पढ़ने से डर लगता है। दूधनाथ चाहते थे कि जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ इस धरती पर घट रहा है, जो कुछ हमारे वातावरण में हो रहा है, वह सब कुछ दर्ज किया जाए। अपने संस्मरणों की अंतिम पुस्तक जो लिखी उन्होंने, उसका शीर्षक दिया सबको अमर देखना चाहता हूं। ये वो लिखते हैं कि वे दिन चले गए जब हम थे, अब हम कहाँ हैं। जीवन एक आश्चर्य की तरह बचा है और शायद आश्चर्य की तरह नष्ट हो जाएगा। दूधनाथ एक आश्चर्य की तरह रचनाकार थे, आश्चर्य की तरह प्रकट होते थे, अपनी कहानियों से लिखे से सबको आश्चर्य में डाल देते थे और अचानक सबको आश्चर्य में डालकर इस दुनिया से चले गए। जो लिखा वो सच कर दिया, लेकिन उनकी बात नई पीढ़ी को बनाने की थी कि मैं सबको अमर देखना चाहता हूं। अल्फ्रेडो कोंडे का एक कथन है कि लेखक होना मृत्यु से जीवन चुराना है। ऐसे ही दूधनाथ सिंह जी ने भी मृत्यु से जीवन चुरा लिया है और वो हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच जीवित रहेंगे। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने दूधनाथ सिंह जी की कोई रचना पढ़ी है, कोई कहानी पढ़ी है, तो उसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।